हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। बेगम जान इज़ अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाई नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाई मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज़ को प्रोड्यूस्ड बाई साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाई गोपी भगत। लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाई कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी। रिटन बाई कौशर मुनीर। डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी, कौशर मुनीर। स्टोरी बाय सुमेर मलिक। बेस्ड ऑन राज कहानी। प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता। स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मशरूम, चंकी पांडे, गौहर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नरेटेड बाई अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक शर्मा मिश्रा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाई ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स, खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज्ड टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट। मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट night while the family getting down at their stops, a group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her where an old woman shapes the girl under undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last Viceroy of India Mountbatten gave Cyril Radcliffe responsibility of dividing
इंडिया इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, रेडक्लिफ ड्यू टू लाइन्स, वन इन पंजाब एंड अनदर वन इन बंगाल. दिस लाइन वॉज नोन एज द रेडक्लिफ लाइन. बेगम जान मित्यावालन इज अ प्रोस्टिट्यूट हु रन्स अ ब्रोथल बिटवीन द सिटीज ऑफ सकरग्रह एंड दोरंगला. द प्रोस्टिट्यूट्स बेगम इन बेगम जान्स ब्रोथल आर अ नंबर ऑफ गर्ल्स सी रेज्ड हरसेल्फ हु वर आइदर abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the brothel include an elderly woman known as Amma Ila Arun Sujit Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Sumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers. Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Redcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina. Gauhar Khan, Begum Jan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jan and her team to leave despite giving them a month's notice as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate the brothel. Raja Sahib returns to the brothel one day to inform Begum Jan that his efforts to save her brothel have failed and now she must vacate the brothel. Begum, who was having hopes from Raja Sahib, is shocked in dismay. Still, the stubbornly tells Raja Sahib come what may, she will rather die in her house like a queen than die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs, even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing
enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidation tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo Pallavi Sharda harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she was begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel. Lardley, her mother, and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them. But Lardley undresses herself, which reminds him his 10-year-old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat. While he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons, however, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorgarh, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself, and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy. Cast: Vidya Balan as Begum Jaan, Ila Arun as Amma, Gahor Khan as Rubina, Pallavi Sharda as Gulabo, Priyanka Setia as Jamila, Ridhima Tiwari as Amba, Flora Shani as Maina, Rabija Chauhan as Lata, Poonam Rajput as Rani, Misty as Shabnam, Grashi Goswami as Lardley, Pitovas Tripathi as Surjit, Sumit Nishawan as Shaleem, Ashish Vidyarthi as Hari Prasad, Chunky Pandey as Kabir, Rajit Kapoor as Ilyas Khan, Vivek Mushran as Master Ji, Rajesh Sharma as Shyam,
नसीरुद्दीन शाह एज राजा साहेब, अशोक धनुका एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय गुरबख्शानी एज जवाहरलाल नेहरू, डिकी बनर्जी एज मोहम्मद अली जिन्ना, पैट्रिक्स अहिर एज लुइस माउंटबेटन, स्टीव बुर्गोस एज हेस्टिंग्स इसमें, राजा विश्वास एज साइरिल्स रेडक्लिफ, दिलीप दावे एज एन ओल्ड कस्टमर ऑफ गुलाबो, बेगम जान एज 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सृजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्ले इंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत, लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी, डायरेक्टेड बाय सृजीत मुखर्जी, रिटन बाय कौशर मुनीर, स्क्रीन प्ले बाय सृजीत मुखर्जी कौशर मुनीर, स्टोरी बाय सुमेर मलिक बेस्ड ऑन राज कहानी, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता, स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसीरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मुश्रन, चंकी पांडे, गहूर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नैरेटेड बाय अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रा दीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म, श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले इंटरटेनमेंट्स, खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ रोथल्स मैडम, सेट इन द बैकड्रॉप लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राजकाहिनी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एट बॉच डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट नाइट वाइल द फैमिली गेटिंग डाउन एट देयर स्टॉप अ ग्रुप ऑफ ड्रंक गून्स गेट्स इनटू द वश एंड हैरासेस द कपल एंड ट्राइज टू रेप हर वेयर एन ओल्ड वुमेन सेव्स द गर्ल अनड्रेसिंग हरसेल्फ। Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe
द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इंटू टू पार्ट इंडिया एंड पाकिस्तान. रेडक्लिफ ड्रू टू लाइन्स, वन इन पंजाब एंड अनोदर वन इन बंगाल. दिस लाइन वॉज नोन एज द रेडक्लिफ लाइन. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके. धन्यवाद. बेगम जान इज़ अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म. इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट. द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल. द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत. लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी. रिटन बाय कौशर मुनीर. डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी, कौशर मुनीर. स्टोरी बाय शुमेर मलिक. बेस्ड ऑन राज कहानी. प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता. स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मशरूम, चंकी पांडे, गौहर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी. नरेटेड बाई अमिताभ बच्चन. सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत. एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक शर्मा मिश्रा, विवेक मिश्रा. म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक. ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता. प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस. डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज. रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017. रनिंग टाइम 127 मिनट्स. कंट्री इंडिया. लैंग्वेज हिंदी. बजट 19 करोड़. बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़. द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 14 अप्रैल 2017. विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948. इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015. द फिल्म मैनेज्ड टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज. प्लॉट. मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट night while the family getting down at their stops, a group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her where an old woman shapes the girl under undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last
विश्व ऑफ इंडिया माउंट बैटन गिव सिरिल रैडक्लिफ़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इंटू टू पार्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान. रैडक्लिफ ड्रू टू लाइन्स वन इन पंजाब एंड अनदर वन इन बंगाल. दिस लाइन वॉज नोन एज द रैडक्लिफ लाइन. बेगम जान मित्यावालन इज अ प्रोस्टिट्यूट हु रन्स अ ब्रोथल बिटवीन द सिटीज ऑफ शकरग्रह एंड दोरंगला. द प्रोस्टिट्यूट्स बेगम इन बेगम जान्स ब्रोथल आर अ नंबर ऑफ गर्ल्स सी रेज्ड हरसेल्फ हु वर आइदर abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the Viruthil include an elderly woman known as Amma Ila Arun Sujit Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Shumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers. Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Redcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina. Gauhar Khan, Begum Jan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jan and her team to leave despite giving them a month's notice as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate the brothel. Raja Sahib returns to the brothel one day to inform Begum Jan that his efforts to save her brothel have failed and now she must vacate the brothel. Begum, who was having hopes from Raja Sahib, is shocked in dismay. Still, the stubbornly tells Raja Sahib, come what may, she will rather die in her house like a queen than die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs, even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is
returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidation tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo Pallavi Sharda harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she was begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel. Lardley, her mother, and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them. But Lardley undresses herself, which reminds him his 10-year-old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat. While he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons, however, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorghar, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself, and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy. Cast: Vidya Balan as Begum Jaan, Ilarun as Amma, Gahor Khan as Rubina, Pallavi Sharda as Gulabo, Priyanka Setia as Jamila, Ridhima Tiwari as Amba, Flora Shani as Maina, Rabija Chauhan as Lata, Poonam Rajput as Rani, Misty as Shabnam, Grashi Goswami as Lardley, Pitovas Tripathi as Surjit, Sumit Nishawan as Shaleem,
आशीष विद्यार्थी एज हरी प्रसाद, चंकी पांडे एज कबीर, रजीत कपूर एज इलियास खान, विवेक मिश्रण एज मास्टर जी, राजेश शर्मा एज श्याम, नसीरुद्दीन शाह एज राजा साहेब, अशोक धनुका एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय गुरबख्शानी एज जवाहरलाल नेहरू, डिकी बनर्जी एज मोहम्मद अली जिन्ना, पैट्रिक्स अहिर एज लुइस माउंटबेटन, स्टीव बर्गोस एज हेस्टिंग्स इसमें, राजा विश्वास एज साइरिल्स रेडक्लिफ, दिलीप दावे एज एन ओल्ड कस्टमर ऑफ गुलाबो, बेगम जान। बेगम जान एज 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सृजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्ले एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत, लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डायरेक्टेड बाय सृजीत मुखर्जी, रिटन बाय कौशर मुनीर, स्क्रीन प्ले बाय सृजीत मुखर्जी कौशर मुनीर, स्टोरी बाय सुमेर मलिक, बेस्ड ऑन राज कहानी, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता, स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसीरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मिश्रण, चंकी पांडे, गहूर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नैरेटेड बाय अमिताभ बच्चन, सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत, एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक, ओरिजिनल स्कोर इंद्रा दीप दास गुप्ता, प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज, रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017, रनिंग टाइम 127 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 19 करोड़, बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ विरोथल्स मैडम, सेट इन द बैकड्रॉप लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एट बॉच डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट, मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट नाइट वाइल द फैमिली गेटिंग डाउन एट देयर स्टॉप, अ ग्रुप ऑफ ड्रंक गून्स गेट्स इनटू द वश एंड हैरासेस द कपल एंड ट्राइज टू रेप हर वेयर एन ओल्ड वुमैन सेव्स द गर्ल अनड्रेसिंग हरसेल्फ। Now the movie goes back to 1947
in August 1947 after India shout independence from the British. The last Viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe the responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। बेगम जान इज अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज़ को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत। लिरिक्स, एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी। रिटन बाय कौशर मुनीर। डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी, कौशर मुनीर। स्टोरी बाय सुमेर मलिक। बेस्ड ऑन राज कहानी। प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता। स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मशरूम, चंकी पांडे, गौहर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नरेटेड बाय अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स, खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज्ड टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट night while the family getting down at their stops, a group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her where an old woman shapes the girl under undressing herself. Now
The movie goes back to 1947 in August 1947 after India shout independence from the British. The last Viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. Begum Jaan Vidyawalan is a prostitute who runs a brothel between the cities of Sakarghah and Dorangla. The prostitutes Begum Jaan's brothel are a number of girls she raised herself who were either abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the brothel include an elderly woman known as Amma Ila, Arun Sujit Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Sumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers. Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Radcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina. Gauhar Khan, Begum Jaan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jaan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jaan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jaan and her team to leave despite giving them a month's notice as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate the brothel. Raja Sahib returns to the brothel one day to inform Begum Jaan that his efforts to save her brothel have failed and now she must vacate the brothel. Begum, who was having hopes from Raja Sahib, is shocked in dismay. Still, the stubbornly tells Raja Sahib come what may, she will rather die in her house like a queen
then die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs, even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidation tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo Pallavi Sharda harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she was begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel. Lardly, her mother, and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them. But Lardly undresses herself, which reminds him his 10 years old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat. While he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons, however, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorgarh, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself, and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy. Cast: Vidya Balan as Begum Jaan, Ilarun as Amma, Gahur Khan as Rubina, Pallavi Sharda as Gulabo, Priyanka Setia as Jamila, Ridhima Tiwari as Amba, Flora Shani as Maina, Rabija Chauhan as Lata,
पूनम राजपूत एज रानी, मिस्टी एज शबनम, ग्रैशी गोस्वामी एज लाडली, पितोवस त्रिपाठी एज सुरजीत, सुमित निजावान एज शलीम, आशीष विद्यार्थी एज हरि प्रसाद, चंकी पांडे एज कबीर, रजीत कपूर एज इलियास खान, विवेक मुश्रण एज मास्टर जी, राजेश शर्मा एज श्याम, नसीरुद्दीन शाह एज राजा साहेब, अशोक धनुका एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय गुरबख्शानी एज जवाहरलाल नेहरू, डिकी बनर्जी एज मोहम्मद अली जिन्ना, पैट्रिक्स अहिर एज लुइस माउंटबेटन, स्टीव बुर्गोस एज हेस्टिंग्स इसमें, राजा विश्वास एज साइरिल्स रेडक्लिफ, दिलीप दावे एज एन ओल्ड कस्टमर ऑफ गुलाबो, बेगम जान, बेगम जान एज 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्ले एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत, लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी, डायरेक्टेड बाय सुरजीत मुखर्जी, रिटन बाय कौशर मुनीर, स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी कौशर मुनीर, स्टोरी बाय सुमेर मलिक, बेस्ड ऑन राज कहानी, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता, स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसीरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मुश्रण, चंकी पांडे, गहूर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी, नैरेटेड बाय अमिताभ बच्चन, सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत, एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक, ओरिजिनल स्कोर इंद्रा दीप दास गुप्ता, प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज, रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017, रनिंग टाइम 127 मिनट्स, कंट्री इंडिया, लैंग्वेज हिंदी, बजट 19 करोड़, बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ रोथल्स मैडम, सेट इन द बैकड्रॉप लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एट बॉच डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट, मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट नाइट वाइल द फैमिली गेटिंग डाउन एट देयर स्टॉप, अ ग्रुप ऑफ ड्रंक गूंस
gets into the wash and harasses the couple and tries to rape her where an old woman saves the girl, undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe the responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। बेगम जान इज़ अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत। लिरिक्स, एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी। रिटन बाय कौशर मुनीर। डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी, कौशर मुनीर। स्टोरी बाय शुमेर मलिक। बेस्ड ऑन राज कहानी। प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता। स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मशरूम, चंकी पांडे, गौहर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नरेटेड बाई अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक शर्मा मिश्रा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज्ड टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट। मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट night while the family getting down at their stops, a group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape
हर वेदर वेयर एन ओल्ड मैन ओल्ड वेयर एन ओल्ड वुमैन शेप्स द गर्ल अंडर अनड्रेसिंग हरसेल्फ। नाउ द मूवी गोज बैक टू 1947 इन अगस्त 1947 आफ्टर इंडिया शाउट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश द लास्ट विश्व ऑफ इंडिया माउंट बैटन गेव सिरिल रैडक्लिफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इंटू टू पार्ट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। रैडक्लिफ ड्रू टू लाइन्स वन इन पंजाब एंड अनदर वन इन बंगाल। दिस लाइन वॉज नोन एज द रैडक्लिफ लाइन। बेगम जान मित्यावालन इज अ प्रोस्टिट्यूट हु रन्स अ ब्रोथल बिटवीन द सिटीज ऑफ शकरग्रह एंड दोरंगला। द प्रोस्टिट्यूट्स बेगम इन बेगम जान्स ब्रोथल आर अ नंबर ऑफ गर्ल्स सी रेज्ड हरसेल्फ हु वर आइदर abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the brothel include an elderly woman known as Amma Ila Arun Sujit Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Sumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers. Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Radcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina. Gauhar Khan, Begum Jan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jan and her team to leave despite giving them a month's notice as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate the brothel. Raja Sahib returns to the brothel one day to inform Begum Jan that his efforts to save her brothel have failed and now she must vacate the brothel. Begum, who was having hopes from Raja Sahib,
each shocked in dismay. Still the stubbornly tells Raja Sahib, come what may, she will rather die in her house like a queen than die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs, even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidation tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo, Pallavi Sharda, harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she boasts begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel Lardli. Her mother and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them. But Lardli undresses herself, which reminds him his 10 years old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat. While he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons, however, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorgarh, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself, and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy. Cast: Vidya Balan as Begum Jaan, Ilarun as Amma, Gahor Khan as Rubina, Pallavi Sharda as Gulabo, Priyanka Setia as Jameela,
रिधिमा तिवारी एज अम्बा, फ्लोरा शैनी एज मैना, रवीजा चौहान एज लता, पूनम राजपूत एज रानी, मिस्टी एज शबनम, ग्रैसी गोस्वामी एज लाडली, पितोवस त्रिपाठी एज सुरजीत, सुमित निजावान एज शलीम, आशीष विद्यार्थी एज हरि प्रसाद, चंकी पांडे एज कबीर, रजीत कपूर एज इलियास खान, विवेक मिश्रण एज मास्टर जी, राजेश शर्मा एज श्याम, नसीरुद्दीन शाह एज राजा साहेब, अशोक धनुका एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय गुरबख्शानी एज जवाहरलाल नेहरू, डिकी बनर्जी एज मोहम्मद अली जिन्ना, पैट्रिक्स अहिर एज लुइस माउंटबेटन, स्टीव बुर्गोस एज हेस्टिंग्स इसमे, राजा विश्वास एज साइरिल्स रेडक्लिफ, दिलीप दावे एज एन ओल्ड कस्टमर ऑफ गुलाबो, बेगम जान, बेगम जान एज 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्ले एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत। लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डायरेक्टेड बाय सुरजीत मुखर्जी, रिटन बाय कौशर मुनीर, स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी कौशर मुनीर, स्टोरी बाय सुमेर मलिक, बेस्ड ऑन राज कहानी, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता, स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसीरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मिश्रण, चंकी पांडे, गहूर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नैरेटेड बाय अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रा दीप दास गुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ विरोथल्स मैडम, सेट इन द बैकड्रॉप लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एट बॉच डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट
मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट नाइट वाइल द फैमिली गेटिंग डाउन एट देयर स्टॉप अ ग्रुप ऑफ ड्रंक गूंस गेट्स इनटू द वश एंड हैरासेस द कपल एंड ट्राइज टू रेप हर वेयर एन ओल्ड वुमेन सेव्स द गर्ल अनड्रेसिंग हरसेल्फ नाउ द मूवी गोज बैक टू 1947 In August 1947, after India shout independence from the British, the last viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe the responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। बेगम जान इज अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज़ को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत। लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी। रिटन बाय कौशर मुनीर। डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी कौशर मुनीर। स्टोरी बाय सुमेर मलिक बेस्ड ऑन राज कहानी। प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट विशेष भट्ट महेंद्र सोनी श्रीकांतो मोहता। स्टारिंग्स विद्या बालन इला अरुण नसरुद्दीन शाह रजीत कपूर आशीष विद्यार्थी विवेक मशरूम चंकी पांडे गौहर खान पल्लवी शारदा मिष्ठी। नरेटेड बाय अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट Night while the family getting
down at their stops. A group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her where an old woman shapes the girl under undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last Viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. Begum Jaan Mithyawalan is a prostitute who runs a brothel between the cities of Sakarghah and Dorangla. The prostitutes Begum Jaan's brothel are a number of girls she raised herself who were either abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the brothel include an elderly woman known as Amma Ila, Arun Sujit, Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Sumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Radcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina. Gauhar Khan. Begum Jaan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jaan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jaan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jaan and her team to leave despite giving them a month's notice as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate the brothel. Raja Sahib returns to the brothel one day to inform Begum Jaan that
His efforts to save her brothel have failed, and now she must vacate the brothel Begum, who was having hopes from Raja Sahib. Each shocked in dismay, still the stubbornly tells Raja Sahib, come what may, she will rather die in her house like a queen than die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs, even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidations tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo Pallavi Sharda harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she was begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel Lardley. Her mother and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them. But Lardley undresses herself, which reminds him his 10 years old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat. While he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons, however, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorgarh, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself, and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy.
कास्ट विद्या बालन एज बेगम जान, इला अरुण एज अम्मा, गाहौर खान एज रूबीना, पल्लवी शारदा एज गुलाबो, प्रियंका सेटिया एज जमीला, रिधिमा तिवारी एज अम्बा, फ्लोरा शैनी एज मैना, रवीजा चौहान एज लता, पूनम राजपूत एज रानी, मिस्टी एज शबनम, ग्रैशी गोस्वामी एज लाडली, पितोवस त्रिपाठी एज सुरजीत, सुमित निजावान एज शलीम, आशीष विद्यार्थी एज हरी प्रसाद, चंकी पांडे एज कबीर, रजीत कपूर एज इलियास खान, विवेक मुश्रण एज मास्टर जी, राजेश शर्मा एज श्याम, नसीरुद्दीन शाह एज राजा साहेब, अशोक धनुका एज सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय गुरबख्शानी एज जवाहरलाल नेहरू, डिक्की बनर्जी एज मोहम्मद अली जिन्ना, पैट्रिक्स अहिर एज लुइस माउंटबेटन, स्टीव बुर्गोस एज हेस्टिंग्स इसमें, राजा विश्वास एज साइरिल्स रेडक्लिफ, दिलीप दावे एज एन ओल्ड कस्टमर ऑफ गुलाबो, बेगम जान, बेगम जान एज 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्ले एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत, लिरिक्स एडिशनल स्क्रीन प्ले बाय एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंड बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी, डायरेक्टेड बाय सुरजीत मुखर्जी, रिटन बाय कौशर मुनीर, स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी कौशर मुनीर, स्टोरी बाय सुमेर मलिक, बेस्ड ऑन राज कहानी, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता, स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसीरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मुश्रण, चंकी पांडे, गहूर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नैरेटेड बाय अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाय ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रा दीप दास गुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म, श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स, खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ रोथल्स मैडम, सेट इन द बैकड्रॉप लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी।
2015. The film managed to recover its cost at box declared average. Plot: movie opens with a small family and a young couple traveling in a public transport in the late night. While the family getting down at their stop, a group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her, where an old woman saves the girl, undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe the responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। बेगम जान इज़ अ 2017 इंडियन हिंदी पीरियड ड्रामा फिल्म। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग डायरेक्टर सुरजीत मुखर्जी एंड प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट एंड प्लेस एंटरटेनमेंट। द फिल्म इज को प्रोड्यूस्ड बाय साक्षी भट्ट एंड श्री वेंकटेश फिल्म विद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमकुम सहगल। द सिनेमाटोग्राफी इज डन बाय गोपी भगत। लिरिक्स, एडिशनल स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स हैव बीन पेंट बाय कौशर मुनीर एंड राहत इंदौरी। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सुरजीत मुखर्जी। रिटन बाय कौशर मुनीर। डायलॉग्स स्क्रीन प्ले बाय सुरजीत मुखर्जी, कौशर मुनीर। स्टोरी बाय शुमेर मलिक। बेस्ड ऑन राज कहानी। प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट, विशेष भट्ट, महेंद्र सोनी, श्रीकांतो मोहता। स्टारिंग्स विद्या बालन, इला अरुण, नसरुद्दीन शाह, रजीत कपूर, आशीष विद्यार्थी, विवेक मशरूम, चंकी पांडे, गौहर खान, पल्लवी शारदा मिष्ठी। नरेटेड बाई अमिताभ बच्चन। सिनेमेटोग्राफी गोपी भगत। एडिट बाय मोनिशा आर वल्दावा, विवेक शर्मा मिश्रा, विवेक मिश्रा। म्यूजिक बाई ओरिजिनल सॉन्ग्स अनु मलिक। ओरिजिनल स्कोर इंद्रदीप दासगुप्ता। प्रोडक्शन कंपनीज विशेष फिल्म्स श्री वेंकटेश फिल्म्स, प्ले एंटरटेनमेंट्स खुराना प्रोडक्शंस। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वाइट हिल स्टूडियोज। रिलीज डेट 14 अप्रैल 2017। रनिंग टाइम 127 मिनट्स। कंट्री इंडिया। लैंग्वेज हिंदी। बजट 19 करोड़। बॉक्स ऑफिस 30.6 करोड़। द फिल्म वॉज रिलीज्ड ऑन 14 अप्रैल 2017। विद्या बालन प्लेज द लीड रोल ऑफ अ ब्रदर्स मैडम शेट इन द बैकड्रॉप ऑफ लेट इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राज कहानी 2015। द फिल्म मैनेज्ड टू रिकवर इट्स कॉस्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट:
movie opens with a small family and a young couple traveling in public transport in the late night while the family getting down at their stops. A group of drunk goons gets into the bus and harasses the couple and tries to rape her where an old woman shapes the girl under undressing herself. Now the movie goes back to 1947. In August 1947, after India shout independence from the British, the last Vice of India Mountbatten gave Cyril Radcliffe responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line. Begum Jaan Mithyawalan is a prostitute who runs a brothel between the cities of Sakarghah and Dorangla. The prostitutes Begum Jaan's brothel are a number of girls she raised herself who were either abandoned or disowned by their families and now work for her. The members of the brothel include an elderly woman known as Amma Ila, Arun Sujit, Pituvas Tripathi, a local worker who brings her customers, and Shaleem Sumit Nizhavan, a gunman who guards them, and also two dogs. They are pestered by government officers Hari Prasad, Ashish Vidyarthi, Ilyas Khan, Rajit Kapoor, and Inspector Shyam Singh Rajesh Sharma, who visits her and asks all of the residents to evict the brothel as it lies on the land that the Radcliffe line is to pass through. Love is shown to blossoms between Sujit and Rubina Gauhar Khan. Begum Jaan's brothel is locked after by Raja Sahib Nasruddin Shah, under whose protection they are safe and sound. He pays their taxes and duties. Begum Jaan sends message to him for his help in this matter. He arrives at the brothel with gifts and presents for them, and after hearing about their plight, he assures them of help by stating that he would be going to Delhi soon and discuss the matter there. However, he demands to spend the night with young Shabnam Misti Chakravarti, who had recently joined the brothel as a mental break after abuse. Begum Jaan reluctantly forces Shabnam to sleep with Raja Sahib while she sings in the sidelines as he enjoys his night. After several failed attempts to convince Begum Jaan and her team to leave despite giving them a month's notice, as a last resort, Hari and Ilyas enlist the help of Kabir Chunky Pandey, an infamous killer in Sonapur, to threaten Begum with her members to vacate
द ब्रोथल। राजा साहिब रिटर्न्स टू द ब्रोथल वन डे टू इन्फॉर्म बेगम जान दैट हिज एफर्ट्स टू सेव हर ब्रोथल हैव फेल्ड एंड नाउ शी मस्ट वैकेट द ब्रोथल बेगम हु वॉज हैविंग होप्स फ्रॉम राजा साहिब इज शॉक्ड इन डिसमे स्टिल द stubbornly tells Raja Sahib come what may she will rather die in her house like a queen than die on the streets like a beggar. Kabir proceeds to kill Begum's beloved dogs even feeding their meat to Begum and her girls. He then kills Sujit while he is returning from the market with a few other girls of the brothel. He persuades the girls to escape while sacrificing his life. This killing enrages Begum Jaan and her members further. As a result of Kabir's intimidations tactics, Begum asks Shaleem to train every one of her girls to use weapons and fights back. Intensive training practice sessions are held. Meanwhile, Master Ji, Vivek Mushran, Lardley's teacher, is in love with Begum Jaan and proposes to her, unaware that another prostitute named Gulabo, Pallavi Sharda, harbors feelings for him as well. Begum Jaan rejects his proposal and asks him to leave, leading an irate master to concoct a plan to kill her. He convinces Gulabo to run away from the brothel, betraying Begum Jaan. Gulabo does so, but Master Ji spurns her and gets her raped. While his accomplice inside a horse carriage, she was begins. That same night, Kabir and his men attack the brothel hardly. Her mother and Shabnam are forced to run away and are attacked by the policeman Shyam Singh, who seeks benefit from them, but Lardley undresses herself, which reminds him his 10-year-old daughter, and he cries and asks her to stop. Begum and the girls fight back, but to no avail. Gulabo returns and later slits Master Ji's throat while he is witnessing the attack on the brothel by Kabir and his goons. However, she has been badly assaulted by Master Ji's accomplices and dies. The goons throw lighted torches inside the brothel, causing the building to be engulfed in flames. Begum Jaan and her girls put up a determined fight. Many are killed. She and her four surviving members smile while looking at their home being set ablaze. They walk inside the building and shut the doors. They burn to death as Amma narrates the story of Rani Padmavati of Chittorghar, who refused to fall into the hands of the enemy and instead martyred herself and died a valiant death, just like the plight of Begum Jaan. As the movie ends, Ilyas and Hari are seen to be remorseful of their actions. Ilyas shoots himself.
and we are shown the remains of the brothel and the end to the Begum Jaan legacy. Cast Vidya Balan as Begum Jaan, Ila Arun as Amma, Gaur Khan as Rubina, Pallavi Sharda as Gulabo, Priyanka Setia as Jamila, Ridhima Tiwari as Amba, Flora Shani as Maina, Rabija Chauhan as Lata, Poonam Rajput as Rani, Misty as Shabnam, Grashi Goswami as Lardly, Pitovas Tripathi as Surjit, Sumit Nishawan as Shalim, Ashish Vidyarthi as Hari Prasad, Chunky Pandey as Kabir, Rajit Kapoor as Ilyas Khan, Vivek Mushran as Masterji, Rajesh Sharma as Shyam, Nasiruddin Shah as Raja Sahib, Ashok Dhanuka as Sardar Vallabh Bhai Patel, Sanjay Gurbakhshani as Jawaharlal Nehru, Dicky Banerjee as Muhammad Ali Jinnah, Patrick Aguirre as Louis Mountbatten, Steve Burgos as Hastings Ismay, Raja Biswas as Cyril Radcliffe, Dilip Dave as an old customer of Gulabo. Begum Jaan. Begum Jaan is a 2017 Indian Hindi period drama film. It is written and directed by National Film Award winning director Sirjit Mukherjee and produced by Mukesh Bhatt, Vishesh Bhatt and Play Entertainment. The film is co-produced by Sakshi Bhatt and Shri Venkatesh Film with executive producer Kumkum Shagal. The cinematography is done by Gopi Bhagat. Lyrics additional screenplay by and dialogues have been penned by Kaushar Munir and Rahat Indori. Directed by Srijit Mukherjee, written by Kaushar Munir, screenplay by Srijit Mukherjee, Kaushar Munir, story by Shumer Malik, based on Raj Kahani, produced by Mukesh Bhatt, Vishesh Bhatt, Mahindra Shoni, Shrikanto Mohta, starring Vidya Balan, Ila Arun, Nasiruddin Shah, Rajit Kapoor, Ashish Vidyarthi, Vivek Mushran, Chunky Pandey, Gaur Khan, Pallavi Sharda, Mishti. Narrated by Amitabh Bachchan. Cinematography Gopi Bhagat. Edited by Monisha R. Valdava, Vivek Mishra. Music by original songs Anu Malik. Original score Indra Deep Das Gupta. Production companies Vishesh Film, Sri Venkatesh Films, Play Entertainments, Khurana Productions. Distributed by White Hill Studios. Release date 14 April 2017. Running time 127 minutes. Country India. Language Hindi. Budget 19 crore. Box office 30.6 crore. The film was released on 14 April 2017. Vidya Balan plays the lead role of Brothel's Madam, set in the backdrop of late Indian independence period
ऑफ 1948। इट इज़ अ हिंदी रीमेक ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड बंगाली फिल्म राजकाहिनी 2015। द फिल्म मैनेज टू रिकवर इट्स कॉस्ट एट बॉच डिक्लेयर्ड एवरेज। प्लॉट: मूवी ओपन्स विद अ स्मॉल फैमिली एंड अ यंग कपल ट्रेवलिंग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द लेट नाइट वाइल द फैमिली गेटिंग डाउन एट देयर स्टॉप अ ग्रुप ऑफ ड्रंक गून्स गेट्स इनटू द वश एंड हैरासेस द कपल एंड ट्राइज टू रेप हर वेयर एन ओल्ड वुमेन सेव्स द गर्ल अनड्रेसिंग हरसेल्फ। नाउ द मूवी गोज बैक टू 1947। In August 1947, after India shout independence from the British, the last viceroy of India, Mountbatten, gave Cyril Radcliffe the responsibility of dividing India into two parts, India and Pakistan. Radcliffe drew two lines, one in Punjab and another one in Bengal. This line was known as the Radcliffe line.